दोस्तों, अगर आप नई बाइक खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए। आप अभी देख सकते हैं ये वाली बाइक, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी कुछ कमियां हैं वो जान लीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं या नहीं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बाइक मैंने ली है, अब इसके अंदर क्या कमी है, क्या महसूस है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी बाइक खरीद सकते हैं। इस बाइक के अंदर जो सबसे पहली कमी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस नई वाली बाइक के अंदर आपको जो रिंग मिलती है ताड़ी वाली, बिल्कुल नहीं मिलती है, ये व्हील वाली मिलती है। अब इसका नुकसान क्या है, अगर आपकी गाड़ी कभी भी गड्ढे के अंदर गिरी या जंप किया तो सीधी आपकी व्हील टूटेगी, यानी आपकी व्हील 2500-3000 रुपये का सीधा खर्चा। अब आप टंकी के बारे में बता देता हूँ, देख लो। आप जिस टाइम बाइक खरीदेंगे उस टाइम आपको ये कोई नहीं बताएगा कि जो नई वाली बाइक है इसके अंदर मोटर लगी हुई है, और मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आपको जो पुरानी वाली बाइक है उसके अंदर एक ही पलक देखने को मिलता है, परंतु इसके अंदर चार पलक है। ये देखिए, एक ऊपर है और एक ये दूसरा नीचे वाला है। अब इसका नुकसान क्या है, अगर पुरानी वाली बाइक आप खरीदते हैं अगर उसमें कोई भी पलक होती मिस्टेक होती है तो सिर्फ आप एक पलक से काम चला सकते हैं, परंतु इसके अंदर तीन है, देख लो, दो उधर हो गया और तीसरा इधर हो गया। अगर तीनों में से मान लीजिए दो महीने में अगर आपका कोई भी एक बार ख़राब होता है तो कम से कम 300-400 रुपये का चूना लगता है, समझ गए ना। और ये है जो पावर स्टार्ट वाला, और ये भी है जो पुरानी बाइक के अंदर आपको पावर स्टार्टिंग वाला देता था, उसकी तरह इसका सिस्टम नहीं है, उसका भी अलग है। अगर इसके अंदर भी कुछ भी थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो वो 1000 रुपये से ज़्यादा आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो आप समझ गए, दो नुकसान तो ये हो गया, पहला तो आपको व्हील मिलता है, जो रिंग वाली ताड़ी है वो नहीं मिलता है, और दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप जिस टाइम भी आपकी दो महीने के अंदर तीनों में से कोई भी एक पलक खराब होता है तो आपका 200-300-400 रुपए का चूना लग जाता है। अब ये देखिए, अभी मेरी 467 किलोमीटर चली है, इसके ऊपर एक आपको निशान देखने को मिलता है। अब इस निशान का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी सीधा बैटरी से कनेक्ट है, i3s है, अगर आप ऑफ लिख देंगे तो उसके बाद में आपकी बाइक चलती हुई है तो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। i3s अगर आप ऑफ पे करेंगे तो आपकी बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी, और मतलब कोई नया आदमी अगर आपसे कभी बाइक मांगता है तो बेचारा 5 घंटे तक तो बस ट्राई करता रहेगा कि ये चालू कैसे होती है। अब आपको इसके दो बड़े नुकसान बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये आपकी जो बाइक है, कम से कम अगर आप किस्त EMI के थ्रू लेंगे तो ये बाइक आपकी 1 लाख रुपए के पास जाएगी, 1 लाख रुपए भाई, 1 लाख रुपए, और अगर कैश पेमेंट लेते हैं तो भी ये आपकी 80,000 रुपए में पड़ी, ठीक है। अब जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई ये जो बाइक है ना, इसकी टंकी के अंदर एक मोटर लगी हुई है। बाई चांस अगर आपकी मोटर कभी भी ख़राब हो जाती है तो आपको डायरेक्ट इसकी मोटर नहीं डलवानी पड़ेगी, और जो इसकी मोटर है वो 5000 रुपये की है, तो समझ गए, आपको 5000 रुपये का सीधा चूना लग रहा है। और अब जो इसकी मेन प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ, और जो इसके मोटर होती है उसका काम होता है पेट्रोल इंजन के ऊपर डालना। अगर आपकी गाड़ी कभी भी रीजर में आएगी तो ये 2 लीटर अंदर रखेगी, और आपको पास में एक पेट्रोल की भरकर रखना पड़ेगा, 2 बूंद डालेंगे तभी ये स्टार्ट होगी। तो भाई अब आपकी मर्जी है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मेरा पहला कमेंट देखिए, मैंने वह सब जानकारी दी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट